आरा जिले के बहुचर्चित बैग व्यवसाय मोहम्मद इमरान हत्याकांड में आरा की अदालत ने कुख्यात खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। एडीजे मनोज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई। न्यायालय के सभी अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 2,60,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। 2.5 वर्ष के बाद अदालत का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। सजा पाने वाले में खुर्शीद कुरैशी, उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नाजिरगंज के राजू खान, रोजा मोहल्ले के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मियां, खेताड़ी मोहल्ला के बबली मियां, तौसीफ आलम व फुरचन उर्फ फुचन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मोहल्ला के शमशेर मियां है। केस की सुनवाई सिविल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अभियुक्तों की पेशी हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भुवनेश्वर तिवारी, अमित कुमार गुप्ता, शिवाजी सिंह, सरकारी पीपी नागेंद्र सिंह सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे। विदित हो कि 9 मार्च 2021 को बिहार के आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान हत्या में आरा सिविल कोर्ट ने खुर्शीद कुरैशी सहित 10 आरोपितों को दोषी पाया था। आरोपितों में एक खुर्शीद कुरैशी का भाई अब्दुल्ला भी शामिल है। दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिए भय पैदा करने में दोषी पाया था। इस मामले में एपीपी नागेंद्र प्रसाद ने ही अभियोजन की ओर से बहस की थी। आपको बता दें कि 10 दिसंबर 2018 को दिनदहाड़े धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। उसमें दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि इमरान के भाई अकील अहमद और एक BSNL कर्मी की भी गोली लगकर जख्मी होने की खबर थी, जिसके बाद मृतक इमरान खान की जख्मी भाई अकील अहमद के बयान पर टाउन थाना में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हत्या हुई थी, उसमें आज तकरीबन 10 जो अभियुक्त थे उनको फांसी की सजा हुई है। क्या मामला था और क्या ये सजा? ये घटना 6/12/2018 की है। इस केस के सूचक अकील अहमद हैं। अकील अहमद दिनांक 6/12/2018 को करीब 12 बजे अपने बैग दुकान पर थे कि उसी समय ये 10 अभियुक्त खुर्शीद कुरैशी वगैरह उस दुकान पर गए और अकील अहमद एवं उसके भाई इमरान एवं अन्य से 10 लाख रुपया रंगदारी की मांग किए और कहे कि तुम लोगों ने ज़मीन लिखवा लिया है, अभी तक रंगदारी का रुपया पहुंचाया क्यों नहीं। इस बात का विरोध सूचक एवं उसके भाई ने किया। सभी अपने अपने हाथ में लिए हथियार से ताबड़तोड़ फायर किए, जिससे अकील अहमद को पेट में गोली लग गई और इमरान खान को भी पूरे शरीर में गोली लगी तथा एक BSNL कर्मी फारूक को भी गोली लग गई। और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस अनुसंधान संपूर्ण करके ट्रायल चला और इनके विरुद्ध आरोप पत्र 302, 387, 307, 120B एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत फ्रेम हुआ और न्यायालय में सूचक एवं घटना के प्रत्यक्ष दर्शी गवाह अपनी अपनी गवाही देकर केस को पूर्णतः साबित किए और दस्तावेजी साक्ष्य भी दिए, जिससे ये साबित हुआ कि इस मुकदमा के अभियुक्त पूर्व में भी अपराध कर्म में संलिप्त थे। और न्यायालय दिनांक 9/3/2021 को सभी अभियुक्तों को 302 एवं अन्य धाराओं में दोषी पाया तथा आज दिनांक 14/6/2021 को न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात न्यायालय ने सभी 10 अभियुक्त को 302/34 भारतीय दंड विधान के तहत आज मृत्युदंड तथा 1 लाख रुपये की जुर्माना की राशि तथा दफा 387/34 भारतीय दंड विधान के तहत 7 साल की सजा एवं 50,000 रुपये का जुर्माना तथा 307/34 भारतीय दंड विधान के तहत 10 साल की सजा एवं 50,000 का जुर्माना तथा 120 वी
भारतीय दंड विधान के तहत 7 साल की सजा तथा 50,000 का जुर्माना एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत सभी अभियुक्तों को 7 साल की सजा तथा 10,000 का जुर्माना लगाया है तथा जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह का साधारण कारावास से दंडित किया है तथा सभी धाराएं साथ साथ चलेगी। इस तरह का निर्णय नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ने दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सभी लोगों की पेशी जो अभियुक्त हैं उनकी भी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही के माध्यम से हुई है और बचाव पक्ष तथा अभियोजन के भी अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही न्यायिक प्रक्रिया में भाग लिए। आप अभियोजन पक्ष से? मैं इस केस का कंडक्टिंग एडिशनल पीपी था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद सिंह हुआ, अपर लोक अभियोजक।